हेलो टू ऑल क्लास 11th यूनिट थर्ड चल रही है हमारी। यूनिट थर्ड की हमने कहां तक वीडियो अपलोड की थी, हमने की लास्ट वीडियो जो हमने पढ़ा था, लास्ट टॉपिक जो हमने पढ़ा था वो था रिकॉयल वेलोसिटी ऑफ ए गन पढ़ा था। उसके बाद हम हमारे पास चल रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम थी हमारे पास ये। उसके बाद जो लास्ट टॉपिक अब हम कर रहे हैं वो है, अगला टॉपिक जो हम कर रहे हैं वो है रॉकेट प्रोपल्शन, रॉकेट प्रोपल्शन। देखिए मेनली क्या होता है हमारे पास, मेनली वी हैव टू चैम्बर्स इन रॉकेट। मेनली हमारे पास क्या होते हैं, दो चैम्बर्स होते हैं रॉकेट में, ठीक है, क्लियर। एक होता है हमारे पास ये आया फ्यूल चैम्बर, जिसमें फ्यूल होता है, नॉर्मल फॉर्म में बता रहे हैं। एक हमारे पास होता है O2 चैम्बर, जिसमें से ऑक्सीजन आती है, ठीक है। ये यहां जाकर मिलते हैं O2 चैम्बर, और यहां बनता है हमारे पास, मिलते हैं फ्यूल और चैम्बर, कंबशन, कंबशन चैम्बर। ये है हमारे पास कंबशन चैम्बर, क्लियर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मेनली रॉकेट हैव टू चैम्बर्स, टू चैम्बर्स। नंबर वन, फ्यूल कम्स फ्रॉम फ्यूल चैम्बर। नंबर टू, O2 ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम O2 चैम्बर, ठीक है। और कंबशन ऑफ फ्यूल एंड O2 टेक प्लेस इन कंबशन चैम्बर में होता है ऐसे, ठीक है। तो क्या होता है हमारे पास, कंबशन चैम्बर में जले, वहां से क्या हुआ, फ्यूल बर्न होने के बाद जो क्या होगा, बर्नड गैस, जो गैस जली और वो हाई स्पीड से क्या आती है, डाउनवर्ड जाती है नीचे की तरफ और रॉकेट जाता है अपवर्ड, ठीक है। दिस फ्यूल बर्न एंड गैस कोमा स्मोक कम्स विद हाई स्पीड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, एंड एज ए रिजल्ट रॉकेट मूव्स अपवर्ड। रॉकेट क्या होता है, ऊपर की तरफ भागता है, क्लियर है, बोलिए आया समझ में ना। हम क्या मानते हैं, हम कुछ अजम्पशंस करते हैं, लेट डू सम अजम्पशंस। लेट एम नोड इज मास ऑफ रॉकेट, ठीक है। लेट इन डी टी टाइम, छोटे से टाइम में मास ऑफ फ्यूल बर्न, ये एम नोड है ना, मास ऑफ रॉकेट, इसमें क्या है, रॉकेट प्लस फ्यूल दोनों का मास है, रॉकेट प्लस फ्यूल। इन डी टी टाइम मास ऑफ फ्यूल बर्न, इन लेट इन डी टी टाइम मास ऑफ फ्यूल बर्न, कितना मास बर्न हो गया, डी एम। देन इन टाइम कीजिए इसे, मास नहीं, इन डी टी टाइम मास ऑफ फ्यूल बर्न डी एम,
इन यूनिट टाइम मास ऑफ फ्यूल बर्न इज डीएम बाय डीटी, ठीक है, इसको हमने कह दिया अल्फा, रेट ऑफ कंबशन ऑफ फ्यूल, क्या कह दिया अल्फा, रेट ऑफ कंबशन ऑफ फ्यूल, हमने ये कह दिया इसको, ठीक है। देन इन टाइम टी मास बर्न, कितना मास बर्न हो गया, इज इक्वल टू अल्फा टी, यूनिट टाइम में अल्फा, तो टी टाइम में कितना बर्न हो गया अल्फा टी, क्लियर। चलिए अब लेते हैं बिफोर प्रोपल्शन, प्रोपल्शन से पहले यानी रॉकेट के उड़ने से पहले, अब हमारे पास मोमेंटम ऑफ रॉकेट, देखिए रॉकेट उड़ेगा तो हमारे पास दो चीजों में मोशन होगा, रॉकेट का तो अपवर्ड, फ्यूल बर्न हुआ उसकी गैसेस बन जाएंगी उनका डाउनवर्ड, यानी आपको टोटल मोमेंटम निकालना होगा, तो रॉकेट का अपवर्ड और जो फ्यूल बर्न हुआ किसकी फॉर्म में, स्मोक गैस जो हाई प्रेशर से नीचे लगेंगी उनका मोमेंटम अलग निकालना पड़ेगा। लेकिन ये प्रोसेस कब होगा, जब उड़ जाएगा हमारा रॉकेट, उड़ने से पहले ना तो रॉकेट का कोई मोमेंटम है और ना फ्यूल का गैसेस का कोई मोमेंटम है, क्यों, क्योंकि अब तक फ्यूल बर्न ही नहीं हुआ है। तो पी ऑफ रॉकेट, मोमेंटम ऑफ रॉकेट, क्यों, एज वेलोसिटी ऑफ रॉकेट कितनी है, जीरो, पी ऑफ बर्नड गैस जीरो, देन पी बिफोर प्रोपल्शन जीरो, मोमेंटम उड़ने से पहले कितना हो गया जीरो हो गया। चले आगे आफ्टर प्रोपल्शन, उड़ने के बाद एम इज मास लेफ्ट आफ्टर टाइम टी। देखिए क्या हुआ हमारे पास, हमने कहा था टी टाइम में मास बर्न अल्फा टी, एक लाइन और जोड़ देते हैं, देन मास लेफ्ट कितना हो गया, इनिशियल कितना था हमारे पास एम नोड, बर्न कितना हो गया अल्फा टी, देन बच गया एम नोड माइनस अल्फा टी, ठीक है, इसको हमने कह दिया लेट सेट एम, क्या कह दिया हमने इसको स्मॉल एम, तो मास लेफ्ट आफ्टर टाइम टी एम, ठीक है, क्लियर। डीवी इज वेलोसिटी ऑफ रॉकेट इन अपवर्ड डायरेक्शन, डीवी क्यों लिया, क्योंकि वेलोसिटी विल ऑलवेज चेंज, वेलोसिटी चेंज होती जाएगी डीवी, ठीक है। देन मोमेंटम ऑफ रॉकेट इज इक्वल टू एम इंटू में डीवी, ठीक है। नाउ मास ऑफ फ्यूल बर्न इज इक्वल टू डीएम, क्योंकि दोनों का मोमेंटम लेना पड़ेगा, फ्यूल जो जला है वो उसकी वेलोसिटी किसकी फॉर्म में आई है, उसकी वेलोसिटी जो गैसेस आई हैं नीचे की तरफ उसकी फॉर्म में आई है, उन गैसेस की वेलोसिटी की फॉर्म में आई है। U इज ले लिया हमने क्या, वेलोसिटी ऑफ गैस डाउनवर्ड जो नीचे की तरफ है, देन मोमेंटम ऑफ फ्यूल U इंटू में डीएम, क्लियर, बोलिए। सो टोटल मोमेंटम, ये तो आया रॉकेट का, ये आया फ्यूल का, एम डी वी प्लस यू डी एम, क्लियर, बोलिए। देन बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या आएगा, पी आफ्टर प्रोपल्शन will be equal to P
बिफोर प्रोपल्शन। ठीक है, क्लियर। देन आफ्टर प्रोपल्शन ये रहा एमडीवी प्लस यूडीएम, बिफोर प्रोपल्शन जीरो आया था। दिस इज आवर इक्वेशन। पहली चीज क्या निकालेंगे हम, फर्स्ट जो इस इक्वेशन से हम निकालेंगे, एक्सेलरेशन ऑफ रॉकेट। हमें पता है एम डी वी प्लस यू डी एम इज इक्वल टू जीरो। इसको लिख दिया मैंने एम डी वी इज इक्वल टू माइनस यू डी एम लिख दिया। डी टी से डिवाइड कर दें दोनों तरफ, एम डी वी बाय डी टी इज इक्वल टू माइनस के यू डी एम बाय डी टी। हमने डिवाइड कर दिया दोनों तरफ डी टी से। एम ए इज इक्वल टू माइनस के यू डी एम बाय डी टी, मास कम्बशन रेट ऑफ कम्बशन ऑफ फ्यूल, इसको हमने अल्फा कहा था। यहां से एक्सेलरेशन आ गया माइनस के यू अल्फा बाय एम, एक्सेलरेशन ऑफ द रॉकेट इन अपवर्ड डायरेक्शन आ गया हमारे पास। ठीक है, सेकंड चीज निकालेंगे अप थ्रस्ट ऑन रॉकेट। रॉकेट पर ऊपर की तरफ कितना थ्रस्ट लगा है, किस फोर्स से रॉकेट ऊपर की तरफ गया है, यही उठा लेंगे क्वेश्चन। एम डी वी बाय डी टी इज इक्वल टू माइनस के यू डी एम बाय डी टी को एल्फा। डी वी बाय डी टी क्या बन गई, एम ए इज इक्वल टू माइनस के यू एल्फा। एम ए क्या बन गया, फोर्स अप थ्रस्ट माइनस के यू एल्फा। क्लियर, बोलिए। नेक्स्ट है हमारे पास, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्या है, टू फाइंड velocity of rocket at any time t, rocket की velocity किसी time t पर। चलिए start करते हैं वही से, एम डी वी इज इक्वल टू माइनस के यू डी एम, एम को नीचे ले आया मैं, डी वी इज इक्वल टू माइनस के यू डी एम बाय एम हो गया। इंटीग्रेशन करेंगे दोनों तरफ, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विद लिमिट, लिमिट के साथ इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेशन डीवी, वेरिएबल एम है, एम वेलोसिटी इनिशियल जीरो, कहीं पर टी टाइम पर वी हो जाएगी, मास इनिशियल एम नॉट था, टी टाइम के बाद कितना हो गया, एम हो गया, डीवी का इंटीग्रेशन वी। लॉगरिथम ऑफ ई ऑफ एम कहां से आया, देखिए अब तक हमने पढ़ा है कि इंटीग्रेशन डी एम बाय एम करेंगे तो ये एम ऊपर जाएगा, पावर आएगी एम की पावर माइनस वन डी एम। इंटीग्रेशन का तरीका है, पावर में एक ऐड कर दो, नई पावर से डिवाइड कर दो जीरो, समथिंग अपॉन जीरो क्या आ गया, इनफाइनाइट। तो ये फार्मूला इंटीग्रेशन का हमारा कारगर नहीं हुआ, तो हमें फार्मूला ये एक आइडेंटिटी बन गई, इंटीग्रेशन डी एक्स बाय डेक्स इज लॉग टू द बेस ई ऑफ एक्स, ये आइडेंटिटी हमने यहां यूज की है। इंटीग्रेशन डी एम बाय डी एम इज इक्वल टू लॉग टू द बेस ई ऑफ एम। चलिए वैल्यू रखते हैं, v माइनस जीरो इज इक्वल टू माइनस यू इन टू में पहले अपर लिमिट माइनस के लोअर लिमिट। क्लियर, ये आ गया v इज इक्वल टू माइनस को अगर मैं अंदर ले आऊं, ये आ जाएगा लॉग ऑफ e इन टू में m नॉट माइनस के लॉग बेस टू द e इन टू में m। v आएगा u इन टू में लॉगरिथम में था बेस e m नॉट बाय m। लॉगरिथम टू बेस ई को हम चेंज कर देंगे लॉग टू द बेस टेन में, तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2.303 से यू लॉगरिथम ऑफ टेन एम नोट बाय एम। तो हमारे पास वेलोसिटी ऑफ रॉकेट एट एनी टाइम टी
2.3 नोड 3 यू लॉग टू द बेस 10 एम नोड बाय एम. दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी ऑफ रॉकेट एट एनी टाइम टी. सो कंप्लीट दिस टॉपिक. द नेक्स्ट टॉपिक इज विच वी आर गोइंग टू टेक इज लिफ्ट एंड मैन प्रॉब्लम. लिफ्ट एंड मैन प्रॉब्लम देखिए क्या होता है. Apparent weight of a man in lift. क्या करना है इस टॉपिक में? हम ये देखना चाहते हैं जब कोई व्यक्ति आदमी लिफ्ट में बैठकर ऊपर या नीचे जाता है तो क्या उसके वेट में कुछ चेंज होता है, ये देखना चाह रहे हैं. चलिए मान लीजिए हमने एक लिफ्ट ली. वी हैव ए मैन इन द लिफ्ट. ठीक है. एंड लिफ्ट इज गोइंग अपवर्ड विद एक्सेलरेशन ए. सो वेट ऑफ मैन विल बी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन एम जी. टू एवरी एक्शन देयर इज रिएक्शन. नॉर्मल रिएक्शन आर. क्लियर है? तो फर्स्ट केस व्हेन लिफ्ट मूव अपवर्ड विद एक्सेलरेशन ए. जब लिफ्ट ऊपर जाती है किस एक्सेलरेशन से? ए एक्सेलरेशन से. तो इक्वेशन ऑफ मोशन देखो, ऊपर जा रही है तो नॉर्मल रिएक्शन कंपोनेंट बड़ा है, एम जी छोटा है. इट विल बी आर माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए. आर इज इक्वल टू एम ए प्लस एम जी. क्लियर है? एंड आर इज इक्वल टू एम इन टू में ए प्लस जी. अब देखिए नॉर्मली आदमी का वेट था एम जी और रिएक्शन थी आर, लेकिन जैसे ही लिफ्ट ऊपर जाने लगी रिएक्शन एम जी में कुछ एड हो गया. यानी जो नॉर्मल वेट एम जी था जिसके बराबर रिएक्शन थी, अब रिएक्शन उससे बढ़ गई. यानी आदमी को अपना वेट कैसा लगेगा? थोड़ा सा बढ़ा हुआ मिलेगा. अपरेंट वेट है ना उसका, अपरेंट वेट बढ़ा हुआ हो. दिख रहा है यहां से? सो अपरेंट वेट विल बी मोर देन एक्चुअल वेट. इस केस में क्या होगा? अपरेंट वेट एक्चुअल वेट से क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा. नेक्स्ट इज अवर टॉपिक. नेक्स्ट इज अवर केस व्हेन लिफ्ट मूव डाउनवर्ड विद एक्सेलरेशन ए. अब लिफ्ट क्या कर रही है? नीचे की तरफ मूव कर रही है. एम जी आर नीचे की तरफ मूव कर रही है विद एक्सेलरेशन ए. ठीक है. चलिए इक्वेशन ऑफ मोशन बनाए. अब एम जी कंपोनेंट बड़ा, आर इज इक्वल टू एम ए. आर को इधर ले गए, एम ए को इधर ले आए. आर इधर जाके हो गया प्लस का, एम ए इधर आ जाएगा. एम जी माइनस एम ए. आर इज इक्वल टू एम इन टू में जी माइनस ए. जो रिएक्शन वेट के बराबर थी, आर इज इक्वल टू एम जी थी, अब वही रिएक्शन वेट में से कुछ माइनस करो तो आ रही है. यानी अपरेंट वेट विल डिक्रीज. क्लियर? सो अपरेंट वेट विल डिक्रीज देन एक्चुअल वेट. थर्ड केस भाई, व्हेन लिफ्ट मूव विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी. लिफ्ट मूव कर रही है कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से. ये लो भैया, वही व्यक्ति लिफ्ट में खड़ा है, वेट एम जी, रिएक्शन आर, लिफ्ट अपवर्ड मूव कर रही है. एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. वेलोसिटी कॉन्स्टेंट का मतलब एक्सेलरेशन इक्वल टू जीरो. ऊपर जा रही है, आर माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए.
इज इक्वल टू ए की वैल्यू जीरो, देन आर माइनस एम जी विल बी इक्वल टू जीरो एंड आर विल बी इक्वल टू एम जी, इट विल बी द सेम वेट विच इज सेम एज एक्चुअल वेट। दैट्स वाई हम लिफ्ट की वेलोसिटी, कभी भी लिफ्ट चलती है जर्क के साथ चलती है, उसी वेलोसिटी से मूव करती है, जहां रुकना होता है एक जर्क के साथ रुकती है, ना वेलोसिटी घटती है ना बढ़ती है। अगर वेलोसिटी घटेगी या बढ़ेगी तो क्या महसूस हो जाएगा, जो अंदर है उसको अपना अपेरेंट वेट कम या ज्यादा महसूस होगा, जैसे कि हमें स्विंग झूले पर होता है। फोर्थ, व्हेन लिफ्ट फॉल फ्रीली लिफ्ट फ्रीली गिर गई भाई, ये लो एम जी आर, लिफ्ट फ्रीली फॉल हो गई तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जी। जब लिफ्ट क्या हो गई हमारे पास, फ्री फॉल हो गई, व्हेन लिफ्ट फॉल फ्रीली देन एक्सेलरेशन, लिफ्ट फॉल फ्रीली नीचे आएगी, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जी। देन इक्वेशन आर माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए, ए की जगह लिख दिया जी, तो हमारी इक्वेशन आ गई आर माइनस एम जी इज इक्वल टू एम जी एंड आर इज इक्वल टू जीरो। दिस विल बी ए कंडीशन ऑफ वेटलेसनेस, दिस विल बी ए कंडीशन ऑफ वेटलेसनेस। ये कंडीशन किसकी होगी, वेटलेसनेस की कंडीशन होगी। तो इस टॉपिक में इतना ही कीजिए, नेक्स्ट क्लास में फिर हम आगे लेते हैं।